Hey guys, welcome again on my channel, The Solution Hub. This is Abdul here and we are learning web development course from basic to advanced. So, web development course, we have seen selectors about in this video. Now, we have a new selector, class selector. So, class selectors, what are they? We will understand about it, how to use it, how to select it, how to select it in CSS. Like, we have an image here, I will open it again. We have here, you can see a class selector. आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास एक क्लास सिलेक्टर है तो क्लास सिलेक्टर में हमें क्लास नेम देते हैं दैट इज कोई भी आप क्लास नेम दे सकते हो यहां पे मेन क्लास नेम दिया गया है तो डॉट क्लास मेन क्लास नेम जो है वो यूज करेंगे देन ब्रैकेट देन हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज करेंगे कैसे समझ नहीं आएगा मैंने आपको बस जस्ट एग्जांपल दिखाया यहां पे अब क्लास सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं क्लास सिलेक्टर यूज करने से पहले हम अपने सीएसएस में क्लास सिलेक्टर यूज करें उससे पहले हमें एक क्लास नेम देना होता है हमारे एचटीएमएल में जिस भी एलिमेंट में जिस भी टैग में हमें क्लास नेम देते हैं जिस भी एलिमेंट को हमें स्पेसिफिक जो है स्टाइल देना होता है उस एलिमेंट में मैं अपन क्लास नेम यूज करते हैं लाइक अगर आप चाहते हो कि h1 आप चाहते हो कि h1 में आपको h1 को आपको एक अलग डिजाइन देना है बाकी सबको नहीं देना तो उसमें एक क्लास नेम देते हैं हम यहां पे क्लास नेम देने के तरीके होते हैं यहां पे सिंपली हम यहां पे लिखेंगे क्लास सॉरी स्मॉल लेटर यूज करते हैं हमेशा तो मैं यहां पे सिंपली क्लास यूज क्लास नेम लिखता हूं क्लास नेम यहां पे लिखेंगे देन हमारे पास आ जाएगा क्लास इक्वल डबल कोट्स के अंदर हम यहां पे क्लास नेम देंगे लाइक मैं यहां पे हेडिंग 1 मैंने यहां पे क्लास नेम दे दी हेडिंग 1 सेव करते हैं यहां पे लाइक आपको h2 में भी कोई क्लास नेम देना है तो मैं सबको यहां पे पहले क्लास नेम देना दिखा देता हूं कैसे क्लास नेम देना है लाइक अगर आपको h2 में क्लास नेम देना है तो मैं सिंपली यहां पे इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूं मैं यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं और इसको अलग नेम दे देता हूं हेडिंग 2 आप सेम नेम के कई सारे क्लास नेम दे सकते हो लाइक आप चाहते हो कि इसको भी सेम हेडिंग 2 नेम से हेडिंग 1 नेम से ये भी रहे जैसे कि जो आपका फर्स्ट है हेडिंग 1 जो है सेम एज इट इज h2 भी रहे तो आप सेम नेम का क्लास नेम यूज कर सकते हो ठीक है लेकिन फिलहाल तो मैं यहां पे सेम नेम नहीं यूज कर रहा हूं मैं यहां पे हेडिंग 2 दे देता हूं एंड देन यहां पे क्लास नेम यूज करता हूं पैराग्राफ देन मैं यहां पे पैरा मैंने यहां पे यूज कर ली पैरा एंड देन डिप टैग में हमने क्लास नेम यूज कर लिया जैसे आपको यहां पे भी कोई क्लास नेम यूज करना है डिप टैग में डिप टैग को स्पेसिफिकली कोई आप स्टाइल देना चाहते हो तो डिप टैग में भी क्लास नेम यूज कर लेते हैं डिव 1 राइट देन स्पैन टैग में भी आप कोई क्लास नेम यूज करना चाहते हो तो स्पैन टैग में भी सिंपली आप स्पैन टैग जहां पे आपका ओपनिंग स्पैन टैग होता है वहां पे उसके अंदर स्पैन के बाद स्पेस देके आप क्लास नेम यूज करोगे लाइक आप यहां आप यहां पे स्पैन नेम दे देते हैं क्लास नेम स्पैन 1 क्लास नेम देने के लिए आप फ्री हो कोई भी क्लास नेम दे सकते हो लेकिन रूल्स क्या हैं आप चाहते हो अगर क्लास नेम देना है तो आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते ठीक है जैसे कि मैंने यहां पे हेडिंग दी है तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि मैं इसको ऐसे कर दूं हेड 1 एंड हेडिंग कर दूं अगर लाइक मैं अगर ऐसे कर दूं 1 एंड हेडिंग कर देता हूं ये रूल नहीं है इस तरह से आप क्लास नेम नहीं दे सकते पहले कोई भी नंबर से कोई भी क्लास नेम स्टार्ट नहीं हो सकता राइट तो आपको अगर नंबर्स देने हैं तो आपको बाद में पहले आपको कुछ नेम्स देने हैं देन आपको कोई नंबर दे सकते हैं आप यहां पे राइट तो इस तरह से क्लास नेम देते हैं रूल्स पता चल गए आपको कि नंबर्स फर्स्ट यूज नहीं कर सकते हैं क्लास नेम में और दूसरी चीज क्लास नेम एक नेम से कई सारे क्लास नेम यूज कर सकते हो लाइक आप चाहते हो सब में जो है एक ही नेम से क्लास नेम हो तो आप वो भी यहां पे यूज कर सकते हो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है तो मैं यहां पे एक स्पैन क्लास नेम स्पैन 1 क्लास नेम ले लिया राइट अब हम अपन क्या करते हैं CSS में सेलेक्ट करना देखते हैं कि CSS में सेलेक्ट कैसे करते हैं क्लास नेम को लाइक आपके पास फर्स्ट क्लास नेम क्या है हेडिंग 1 राइट तो आपको सेम एज इट इज जो क्लास नेम दिया है आपने वो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है कैसे सेलेक्ट करना है अब मैंने आपको यहां पे दिखाया है क्लास नेम को सेलेक्ट करने का तरीका आप यहां पे देखोगे एक डॉट यूज करते हैं डॉट यूज करने के बाद आपको क्लास नेम देना है देन ब्रैकेट्स लगाने हैं राइट तो सिंपली आपको यहां पे एक डॉट यूज करना है मैं थोड़ा सा जूम करता हूं यहां पे आपको सिंपली यहां पे एक डॉट यूज करना है डॉट यूज करने के बाद आपका जो क्लास नेम है जिस
भी एलिमेंट, जिस भी टैग को आप स्टाइल देना चाहते हो, स्पेसिफिक डिज़ाइन देना चाहते हो, उसका क्लास नेम आप यहाँ पे कॉपी करोगे या उसका क्लास नेम सेम एज इट इज़ वहाँ पे लिखोगे। लाइक आपके पास हेडिंग वन है, देन आप यहाँ पे हेडिंग वन यूज़ करोगे एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओगे, राइट। देन आप यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी आप डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हो। लाइक आपको अगर देना है कलर, सेम एज इट इज़ कलर, आपको अगर डार्क ग्रीन देना है आप डार्क ग्रीन दे देते हैं, सेव करते हैं। हमारा जो हेडिंग वन है वो डार्क ग्रीन में आ चुका है, राइट। सिमिलरली हम दूसरे क्लास नेम को यहाँ पे पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो क्लास नेम को CSS में सेलेक्ट करने का तरीका फिर से आप देख लो, यहाँ पे डॉट लगाएंगे एंड देन आपकी जो क्लास नेम है, आपका जो क्लास नेम है हेडिंग टू, उसको आप यहाँ पे पिक करोगे, राइट। तो आप यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हेडिंग टू एंड देन ब्रैकेट्स लगाएंगे। आप इसको भी सेकेंड, हमारे पास जो सेकेंड हेडिंग है इसको भी कोई कलर दे सकते हैं। देन हम यहाँ पे कोई कलर देते हैं, यहाँ पे सिंपली कलर देते हैं डार्क मैग्नेटा, ओके, सेव करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड हेडिंग है वो भी स्टाइल हो चुका है, राइट। अब तीसरा जो हमारे पास है पैराग्राफ, आप यहाँ पे देखो तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। इसको हमने क्लास नेम दिया है पैरा, तो आप सिंपली फिर से एक बार देख लेते हैं। मैं डॉट लगाऊंगा एंड देन क्लास का नेम लिखूंगा एंड देन ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ को स्टाइल दे सकता हूँ। लाइक अगर आप देना चाहते हो फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर इसका फॉन्ट साइज देना चाहते हो, लाइक 40 पिक्सल देना चाहते हो, 40 पिक्सल दे दी मैंने, आप देखोगे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से हम अपने क्लास सेलेक्टर को सेलेक्ट करते हैं अपने CSS में। लाइक अगर आपके पास डिव है, क्लास नेम क्या है, डिव वन है, इसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे डिव वन एंड देन ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड देन यहाँ इसके अंदर हम अपनी जो भी कोडिंग फॉर द कोडिंग करनी होती है वो कोडिंग करेंगे, राइट, ओके। तो मैंने जैसे कहा कि मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि सेम नेम से क्लास नेम हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में। लाइक आपको यहाँ पे भी H1 चाहिए, हेडिंग 1 चाहिए, सेम क्लास नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सब में जो है एक सेम क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ, सेम नेम से एक सेम क्लास नेम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके सब में इसे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीनी को यहाँ पे भी डिज़ाइन दिया है, तो तीनी को यहाँ पे डिज़ाइन देते हैं। तो सेम क्लास नेम मैंने यूज़ किया किसके लिए, हेडिंग वन के लिए, हेडिंग टू के लिए एंड पैराग्राफ, मीन्स हेडिंग वन, हेडिंग टू, देन पैराग्राफ, राइट, ओके। मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके, सेव करते हैं। अब अपने CSS में आएंगे हम अपन, मैं यहाँ पे क्लास नेम को सेलेक्ट करूँगा, जो क्लास नेम हमारा क्या है, सेलेक्ट है तीनों के लिए क्लास नेम क्या है, सेम है। तो क्लास नेम मैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा एंड देन क्लास का नेम यूज़ करूँगा, सेलेक्ट करूँगा सेम एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, देन मैं यहाँ पे कलर देता हूँ, डार्क मैग्नेटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो हमारे तीनों के लिए आप देखोगे सेम कलर हो गए। तो सेम क्लास नेम हम यूज़ करते हैं जब हमें हमारे सेम एलिमेंट्स को क्या करना, ज़्यादा बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करना, सेम प्रॉपर्टी देनी होती है, सेम वैल्यू देनी होती है, सेम हमें स्टाइल देना होता है, तब हम सेम क्लास नेम यूज़ करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेट मी नो कि क्या डाउट है आपका।